नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज की इस क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका एडिटोरियल है विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित। तो बात करेंगे किस संदर्भ में अभी इस आर्टिकल को लिखा गया है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां क्या हैं, उसे देखेंगे। स्वर्ण भंडार को देखेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे रिजर्व ट्रेंच से तात्पर्य क्या है। फिर आपने एक शब्द सुना होगा विशेष आहरण अधिकार, इसे भी बात करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में आरबीआई यानी कि हमारी जो केंद्रीय बैंक है उसकी भूमिका क्या है, उसे भी देखेंगे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की अवस्थिति क्या है, उसे भी देखेंगे। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का महत्व क्या है आखिर, उसे भी देखेंगे महत्व को। तो लगभग लगभग आपके जितने भी सवाल हो गए विदेशी मुद्रा भंडार से उन सभी के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा भारत भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 1991 में उस दौर की भी साक्षी रही है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग आपका शून्य हो गया था। कितना? जीरो हो गया था। तब विदेश से आयात करने के लिए हमें बैंकों में मौजूद स्वर्ण गिरवी रखना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कि विदेश से हमें कुछ खरीदने के लिए उस समय में जो बैंकों में हमारा सोना रखा हुआ था उसे गिरवी रखना पड़ता था दूसरी जगह। ठीक है, समझ रहे हैं। अब लगभग आपका 30 वर्षों के बाद भारत के पास 501.70 अरब डॉलर का वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार है। वर्तमान की बात कर रहा हूं। वैश्विक महामारी COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जहां विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं, वहीं भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि और अर्थव्यवस्था के लिए एक सुखद संकेत है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की बात कर रहा हूं। आरबीआई द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जून माह के प्रथम सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.22 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 501.70 अरब डॉलर के कुल भंडार तक पहुंच गया है। इससे पूर्व मार्च माह के अंतिम सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में आपका 3.44 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई थी। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार 493.48 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यानी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार आखिर है क्या। विदेशी मुद्रा भंडार को फॉरेक्स रिजर्व या फिर आरक्षित निधियों का भंडार भी आप लोग कहते हैं। सामान्यतः विदेशी मुद्रा भंडार में केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, परंतु इसमें प्राय सोने के भंडारों, विशेष आहरण अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में से आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार या अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है। तो समझ रहे हैं, इसमें आपका सोने के भंडार हो गए, विशेष आहरण अधिकार हो गए SDR, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थिति होगी, इसे भी शामिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा भंडारों को भुगतान संतुलन में आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है। ये पूंजी खाते में होती हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर संरचना की बात करें हम लोग, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व के शामिल होते हैं। विदेशी परिसंपत्तियां, इसमें आपकी विदेशी कंपनियों के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा के रूप में शामिल किए जाते हैं। दूसरा है आपका स्वर्ण भंडार यानी कि सोना। तीसरा है IMF के पास रिजर्व टेंच। और चौथा है आपका FDR, जिसे आप लोग विशेष आहरण अधिकार भी कहते हैं। बात करते हैं विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां
विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा घटक होता है और यह है जून माह के प्रथम सप्ताह में 8.42 अरब डॉलर बढ़कर 463.63 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। याद रहे कि यदि डॉलर के संदर्भ में बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार में पड़ी गैर अमेरिकी मुद्रा जैसे आपका यूरो, पाउंड, येन की कीमतों में उतार चढ़ाव को भी एफसीए में शामिल किया जाता है। आपका कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा स्वर्ण भंडार की एक रिपोर्ट आई हुई थी। इस अवधि में जून माह के प्रारंभ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के स्वर्ण भंडार में गिरावट दर्ज की गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भारत का सोने का भंडार कितना है 32.682 बिलियन डॉलर का। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपका सोना मुझे लगता है घरों में पड़ा होगा, उससे ज्यादा लगता है मुझे कि मंदिरों में पड़ा होगा अपने यहाँ सोना, लेकिन उसका उपयोग भी नहीं होता है। आप समझ रहे हैं घर में आप लोग 50 लाख का सोना भी अगर कोई बनवा लीजिए आभूषण, उसका उपयोग ज्यादा थोड़ी होता है। समझ रहे हैं, विदेशों में आप लोग देखते हैं कि सोने से कम लागत होता, मतलब उन्हें कि लोग कम पहनते हैं मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, फिर आपका रिजर्व ट्रेंच, ये आपका रिजर्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF को प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए कर सकते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग सामान्यतः आपातकाल की स्थिति में किया जा सकता है, जब आपको जरूरी हो तब इसका उपयोग कर सकते हैं। एक शब्द आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, विशेष आहरण अधिकार, इसे आप लोग SDR भी कहते हैं। विशेष आहरण अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। SDR ना तो एक मुद्रा है ना ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। SDR का मूल बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। इस बास्केट में आपके 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, ये आपकी अमेरिकी डॉलर, दूसरा है आपका यूरोप का यूरो, फिर आपका चीन का रेनमिनबी और जापान का आपका एन और ब्रिटेन का पाउंड, ये आपकी 5 मुद्राएं इसमें शामिल की गई हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि के कारण क्या है? आखिर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का प्रमुख कारण भारतीय शेयर बाजारों में पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हो रही वृद्धि है, क्योंकि आपने देखा होगा कानूनों को बड़ा सरल बना दिया है इस क्षेत्र में निवेश के लिए। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 2.75 यानी कि 2.75 बिलियन डॉलर से अधिक के शेयर खरीदे हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी जियो में लगभग आपका 97,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया। इसके साथ ही कच्चे तेल की मांग में भारी कमी और उसकी कीमत में गिरावट से विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत हुई है, क्योंकि जो आप कच्चा तेल खरीदते थे इसे भी आप लोग विदेशी मुद्रा में से ही भंडार में से ही उपयोग करते थे खरीदने में, जो भी मुद्रा खर्च होती थी। तो कच्चा तेल भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता हो गया है, तो हमें कम मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है उससे, इसलिए ज्यादा खर्च भी नहीं हो रहा। पर आपकी मांग में गिरावट के चलते आयात भी काफी कम हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार से कम व्यय करना हमें पड़ रहा है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, तो इससे आयात भी नहीं हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में आपकी RBI है, इसकी भूमिका क्या है उसे देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक और प्रबंधन के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार की सहमति से निर्मित समग्र नीतिगत ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। RBI विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा का आवंटन करता है, उदाहरण के लिए आप लोग उदारी के प्रेषण योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष आप 2,50,000 डॉलर तक की छूट प्रदान की जाती है। RBI रुपये के क्रमबद्ध संचालन के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है। जब रुपया आपका कमजोर होता है तब यह डॉलर को बेच देता है और रुपया मजबूत होता है
तो उसे पुनः डॉलर खरीद लेता है। आरबीआई जब बाजार से डॉलर खरीदता है तो उसे उसी अनुपात में रुपए का निर्गमन करता है ताकि बाजार में तरलता बनी रहे। आपकी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की अवस्थिति की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 आरबीआई को विभिन्न विदेशी मुद्रा अस्थियों में अपने विदेशी मुद्रा भंडार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। लगभग 64% कितना 64% विदेशी मुद्रा भंडार अन्य देशों को प्रतिभूतियों जैसे आपका ट्रेजरी बिल हो गया इत्यादि में रखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिभूतियां भी आपकी शामिल की जाती हैं। लगभग आपका 28% विदेशी मुद्रा अन्य केंद्रीय बैंकों में संग्रहित की जाती है। तकरीबन 8% विदेशी मुद्रा अन्य देशों के वाणिज्यिक बैंकों में भी जमा किया जाता है। मार्च 2020 तक भारत में 653.01 टन स्वर्ण भंडार था, जिसमें आपका 360.71% टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की अभिरक्षा में है, जबकि शेष स्वर्ण को घरेलू स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। आपका विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का महत्व क्या होता है उसे भी देख लीजिए। आपने विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को भारत के आंतरिक और बाह्य वित्तीय मुद्दों का प्रबंधन करने में सहायता प्राप्त होगी। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि की अति आवश्यकता होती है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से भारत लगभग 17 मार्च तक आयात बिल को कवर करने में सक्षम हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से भारतीय रुपये को डॉलर के सापेक्ष मजबूती भी प्राप्त होती है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि निवेशकों में आत्मविश्वास और ऊर्जा का भी संचार करता है। विदेशी मुद्रा भंडार बाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने में सरकार की सहायता भी कर सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं की स्थिति में बेहतर ढंग से निपटने में विदेशी मुद्रा भंडार की प्रभावी भूमिका हो सकती है आपकी। तो ये कहानी थी आपकी विदेशी मुद्रा भंडार की।